बिजनेस फेल हो गया है? क्या आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके काम धंधे पर किसी की बुरी नजर लग गई है? क्या जीवन में चलती समस्याओं के कारण आप भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, पर क्या करें, महंगे महंगे एस्ट्रोलॉजर्स की फीस देने के लिए पैसे कहाँ हैं? तो आज ही बिना घबराए 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी के पास आए और बिना कोई फीस दिए मदद पाए। पूरी दुनिया के किसी भी कोने में यदि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जो परेशान है, तो ये परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी का वादा है कि वे हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार उसे असरदार उपाय बताएंगे, वह भी बिल्कुल फ्री। उपाय जानने के लिए अभी लॉग ऑन करें www.shanidev.us पर। होम पेज पर उपलब्ध फ्री एस्ट्रोलॉजिकल बटन पर जाएं। नीचे दिए गए फॉर्म में अपनी बर्थ की डिटेल्स यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरें। फेस रीडिंग के लिए अपनी फेस का एक फोटो भी लगाएं और हमें भेज दें। गुरुजी आपकी बर्थ डिटेल्स का एनालिसिस करेंगे। अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद गुरुजी आपको सूट करने वाले उपाय रेमेडीज ईमेल द्वारा 48 घंटों के भीतर भेजेंगे। अपने ईमेल आईडी पर गुरुजी द्वारा दिए जाने वाली रेमेडीज प्राप्त करने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। यदि फिर भी आपके मन में कोई संदेह हो या आप गुरुजी से कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे फोन नंबर 011-450-51710 पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। पूरे विश्व में लाखों लोग गुरुजी से उपाय जानकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो आप भी गुरु रजनीश ऋषि जी की शरण में आए और अपना जीवन सुखी बनाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुरुजी किसी भी प्रकार का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बताते। वह केवल आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं। जय शनिदेव। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हमारे फोन नंबर पर गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेकर उनके ईस्ट पटेल नगर दिल्ली या राजेंद्र नगर दिल्ली ऑफिस में आज ही मिलें। प्रिय भक्तगणों, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करना बहुत अधिक अनिवार्य है। इसलिए मैं चाहूँगी आप सभी मेरे साथ भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणेशाय नमः। अब इस कथा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं अपने गुरु श्री रजनीश ऋषि जी को ध्यान करना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए अब शनि भगवान को याद करते हुए उनका आवाहन करते हैं ताकि वह हमारी इस कथा के दौरान हमारे समीप रहें, हमारे बीच उपस्थित रहें। ओम श्री शनो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये संयो रवि श्रवन्तु आवाहयामहम्। ॐ श्री शनि देवाय नमः। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि भगवान शनि देव का नाम आज बहुत ही ज्यादा ख्याति बटोर रहा है। हर व्यक्ति भगवान शनि देव को मनाने के लिए शनि मंदिरों के बाहर कतार लगाकर खड़ा होता है। सभी लोग भगवान शनि देव को मनाना चाहते हैं, उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं ताकि उनका जीवन सुखी रह सके, वह खुशहाल रह सके। परंतु क्या आप सब ये जानते हैं कि भगवान शनि देव आखिर हैं कौन और क्यों हम सब उनको इस दुनिया का न्यायाधीश कहते हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको एक भगवान शनि देव की छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। जब हमारे त्रिदेव श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी ने इस सृष्टि की संरचना करी तो उन्होंने बहुत से जीव जंतुओं को, मनुष्य को, देवों को, राक्षसों को, सभी का निर्माण किया। एक तरफ जहां भगवान ने देवों की रचना करी वहीं दूसरी ओर उन्होंने राक्षसों को भी जन्म दिया। जहां एक ओर उन्होंने पाप की रचना करी तो उन्होंने पुण्य को भी जन्म दिया। जहां उन्होंने अच्छाई को जन्म दिया तो उन्होंने बुराई भी बनाई ताकि इस सृष्टि के अंदर संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। परंतु कुछ ही समय बाद सभी राक्षस, पापी, सभी में बढ़ोतरी होने लगी और सभी देव परेशान होकर भगवान के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे प्रभु, आपने इन राक्षसों, इन पापियों की रचना आखिर करी तो क्यों करी? आप देख रहे हैं आज ये इस सृष्टि का सर्वनाश कर रहे हैं। हर जगह त्राही त्राही मच रही है। आखिर हम देवता करें तो क्या करें? तब भगवान शिव ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि हे देव, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। कुछ ही समय बाद इस धरती पे एक ऐसा शिशु जन्म लेगा जो कि सभी पापियों का नाश करेगा, सभी पापियों को दंड देगा। इसलिए आप लोग बिना किसी चिंता के अपने अपने लोकों में वापस जाएं और उस सही समय की प्रतीक्षा करें जब वह शिशु इस धरती पर जन्म लेगा। कुछ ही समय बाद एक दिन भगवान श्री सूर्यदेव वन में सैर कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर
मनमोहक कन्या पर पड़ी। वह नदी के तट पर बैठी विश्राम कर रही थी। वह कन्या बहुत अधिक खूबसूरत थी। उसके लंबे लंबे काले केश, झील जैसी आंखें, दूध जैसा गोरा रंग। भगवान श्री सूर्य देव ने जब उस मनमोहक कन्या को देखा तो वह देखते ही रह गए। जब उस कन्या ने अपनी ओर भगवान श्री सूर्य देव को देखते देखा तो वह भी भगवान श्री सूर्य देव को देखने लगी। दोनों के बीच आकर्षण पनप रहा था। तभी भगवान श्री सूर्य देव उस कन्या के पास पहुंचे और उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? उस सुंदर कन्या ने कहा, हे देव, मेरा नाम संध्या है। मैं यहीं वन के पास अपना जीवन अपने पिताश्री के साथ यापन करती हूँ। कुछ समय इस झील पर आकर विश्राम करती हूँ ताकि मुझे शांति मिल सके। अब भगवान श्री सूर्य देव ने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान सूर्य देव हूँ जो कि इस धरती को प्रकाशित करता है। मुझे भगवान शिव ने 9 ग्रहों में से एक अति महत्वपूर्ण स्थान दिया है। संध्या यह सब सुन के बहुत अधिक प्रसन्न हुई। भगवान श्री सूर्यदेव और संध्या कुछ देर वहीं तट पर बैठे बातें करते रहे। तभी भगवान सूर्यदेव ने संध्या से पूछा, हे देवी, आप हमें बहुत अधिक अच्छी लगती हैं, क्या आप हमसे विवाह करना चाहेंगी? संध्या अब तक भगवान श्री सूर्यदेव को अपना पति मन ही मन में स्वीकार कर चुकी थी, परंतु शर्माते हुए उन्होंने कहा कि हे देव, इस बात का निर्णय मैं नहीं ले सकती। इस बात के लिए तो आपको मेरे पिताश्री से ही आज्ञा लेनी पड़ेगी। अब दोनों मिलकर संध्या के पिता के पास पहुंचे। पिताश्री भगवान श्री सूर्यदेव को अपनी कुटिया में देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री सूर्यदेव का स्वागत किया, उन्हें अच्छा लजीज भोजन खिलाया, उनके चरणों में अपना शीश झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगे, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ कि आज आप मेरी इस कुटिया में पधारे हैं। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं आपके लिए अपना आभार प्रकट कर सकूँ? भगवान सूर्यदेव संध्या की ओर देखे और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं केवल ये चाहता हूँ कि मैं आपके पुत्री से विवाह कर सकूँ। आप मुझे इस बात के लिए अनुमति दी। संध्या के पिता यह सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए कि उनकी पुत्री के लिए स्वयं भगवान सूर्यदेव उनके द्वार आके उनसे उनका हाथ मांग रहे हैं। अब भगवान श्री सूर्यदेव और संध्या के विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। सभी सखियों को पता चला तो वह संध्या के घर पहुंची। कोई चिढ़ाने लगी तो कोई बहुत अधिक खुश हो रही थी। सब लोग कह रहे थे कि संध्या, तेरी तो किस्मत ही चमक गई, आज भगवान सूर्यदेव
स्वयं तेरे पास आकर तुझे अपनी पत्नी ग्रहण करना चाहते हैं। तेरे तो भाग ही खुल गए। सभी सखियों के अंदर खुशी का भाव भी है और ईर्ष्या की भावना भी। सभी विवाह की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और अब भगवान श्री सूर्यदेव और संध्या का विवाह हो रहा है। इसके साथ ही भगवान श्री सूर्यदेव और संध्या देवी का विवाह संपन्न होता है और भगवान श्री सूर्यदेव उन्हें अपने 7 अश्वों के रथ पर लेकर अपने सूर्य लोक आ जाते हैं। अब भगवान श्री सूर्यदेव और देवी संध्या दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दोनों ही अपने प्रेम में बहुत अधिक प्रसन्न हैं, बहुत अधिक खुश हैं। देवी संध्या को भगवान श्री सूर्यदेव से कई संतानें होती हैं, परंतु कुछ ही समय बाद देवी संध्या भगवान श्री सूर्यदेव के ऊर्जा से, उनके तपन से परेशान होने लगते हैं। भक्तों, ऐसा आजकल हम देखते हैं, सभी दाम्पत्य जीवनों में कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि स्त्रियों को ये कंप्लेंट रहती है, ये शिकायत रहती है अपने पति से। वह अक्सर ये कहती हैं कि आप जैसे शादी से पहले थे, अब वैसे नहीं रहे। आप जितना मेरे लिए शादी से पहले करते थे, अब आप मेरे लिए उतना नहीं करते। कहाँ तो आप 4-4 घंटे एक पांव पे खड़े होकर मेरा इंतज़ार करते थे, और यदि आज मैं 2 मिनट भी देरी से कहीं पहुँचूँ तो आप आग बबूला हो जाते हैं। सभी को अपने दाम्पत्य जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानियाँ आती हैं, परंतु हमारे हिंदू धर्म में कोई भी स्त्री अपने पति को कभी छोड़ती नहीं है। अपनी आखिरी सांस तक अपने पति को भगवान मानते हुए उनकी सेवा करती है। यदि आप लोगों में से किसी को भी दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हो रही हो, तो आप हमारे गुरु श्री रजनीश ऋषि जी से सलाह लें, ताकि वह आपको कोई उपाय बता सकें जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो सके। ऐसे ही देवी संध्या को भी अब भगवान सूर्यदेव की तपन सहन नहीं हो पा रही थी। वह उनसे बहुत प्रेम करती थी, परंतु फिर भी ये परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। वह जाकर भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करें तो क्या करें। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने तपस्या करने का निर्णय किया। उन्होंने कई महीनों तक तपस्या करी, जिससे कि उन्होंने अपनी ही रूप जैसी, बिल्कुल हूबहू अपने दिखने जैसी, जैसे वो कहते हैं ना आजकल कि डुप्लीकेट बना दिया, वैसे ही एक डुप्लीकेट उन्होंने अपना बनाया। और उसका नाम छाया रखा। देवी संध्या ने छाया को आदेश दिया कि हे छाया, आज से तुम भगवान श्री सूर्यदेव को ही अपना पति मानोगी और पूरी जिंदगी पूर्ण तरह से उनकी सेवा करोगी, मेरे बच्चों का लालन पालन करोगी, मेरी गृहस्थी को संभालोगी।
ऐसा कहकर देवी संध्या अपने पिताश्री के घर पूजा अर्चना करने के लिए चली गई। अब छाया ने संध्या देवी की स्थान ग्रहण कर लिया और भगवान श्री सूर्यदेव को अपना पति स्वीकार किया। प्रिय भक्तगणों, अगर आप या आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड किसी भी प्रकार की परेशानी में हो, चाहे वो धन, व्यापार, नौकरी, कर्जा, शादी, कैरियर, संतान से संबंधी हो या फिर संतान की पढ़ाई लिखाई, मियां बीबी के झगड़े, प्यार, तलाक, धन की कमी या फिर भूत प्रेत नजर आदि की समस्या से परेशान हैं, तो आप 133 देशों में प्रसिद्ध हमारे शनि मंदिर वाले गुरु रजनीश ऋषि से किसी भी दिन समय लेकर अपनी जन्म पत्री या बर्थ चार्ट के साथ ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली स्थित ऑफिस में फोन नंबर 9111450 51710 या हमारी विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट www.shanidev.us पर विजिट कर सकते हैं। मैं गुरु माँ रिया आप सभी भक्तों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि गुरु जी आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को अवश्य ही दूर करेंगे। क्या आप अपनी नौकरी या प्रमोशन ना हो पाने की वजह से परेशान हैं? मैं रणवीर ऋषि लेता हूं गारंटी आपके लायक आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने की या आपको उचित प्रमोशन करवाने की। भगवान श्री सूर्य देव में आस्था रखने वाले प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में भगवान श्री सूर्य देव के 7000 बीज मंत्रों का जप करना बताया गया है। इसके करने से आपकी सूर्य देव भगवान से संबंधित समस्त ग्रह पीड़ाएं, समस्त ग्रह दोष शांत होते हैं। मैं आप सभी भक्तगणों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार से भगवान श्री सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में कष्ट दे रहे हों, तो आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण सुबह पूजा के समय, सुबह प्रातःकाल की जो भी पूजा आप घर में बैठकर करते हैं उनके समय, उस समय पर अपनी पूजा समाप्त करने के पश्चात भगवान श्री सूर्यदेव के इन बीज मंत्रों का निरंतर जप करना चाहिए। 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले गुरु रजनीश ऋषि शीघ्र ही दिल्ली के निकट लगभग 10 एकड़ में फैले शनि नवग्रह शांति मंदिर एवं ऋषि मेडिटेशन आश्रम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए फ्री पूजा, यज्ञ, मेडिटेशन एवं रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आइए मैं गुरु मां रुक्मणी इस प्रपोज्ड पवित्र मंदिर एवं आश्रम के वर्चुअल दर्शन के लिए आपको ले चलती हूँ। ये है हमारे आश्रम का मेन गेट। ऐसा होगा हमारा प्रमुख शनि मंदिर, ऐसा होगा हमारा सूर्य ग्रह मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा चंद्र ग्रह शांति मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा मंगल ग्रह मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा बुध ग्रह शांति मंदिर एवं बुध ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा बृहस्पति ग्रह मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ये है हमारा शुक्र ग्रह शांति मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा मेरे इष्ट श्री शनिदेव भगवान का मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा राहु ग्रह मंदिर एवं ग्रह शांति यज्ञशाला, ऐसा होगा केतु ग्रह शांति मंदिर एवं यज्ञशाला, ऐसा होगा हमारा नवग्रह शांति मंदिर
एवं यज्ञशाला। ऐसा होगा हमारा दुर्लभ बंगला लखी देवी माँ का मंदिर एवं तांत्रिक यज्ञशाला। आपकी कालसर्प दोष की पीड़ा को दूर करने के लिए ऐसा होगा हमारा कालसर्प मंदिर एवं यज्ञशाला। ऐसा होगा हमारा मेडिटेशन हॉल एवं प्रवचन स्थल। ऐसा होगा प्रकृति के बीच हमारा नेचुरल मेडिटेशन सेंटर। ऐसा होगा आप सभी भक्तगणों के लिए एयर कंडीशनर गंगोत्री निवास स्थल। ऐसा होगा आप सभी भक्तों के लिए यमुनोत्री एयर कूल निवास स्थान। ऐसा होगा आपके लिए गंगा सागर डॉर्मेट्री एयर कूल निवास स्थान। ऐसा होगा वैदिक ज्ञान के लिए हमारा गुरुकुल। ऐसा होगा हमारा भोजनालय माँ अन्नपूर्णा। ऐसा होगा हमारा कैफे हाउस और रेस्ट हाउस। ये है हमारे प्राणों से प्रिय गौ माता के लिए गौशाला। कुछ ऐसा होगा हमारा किचन गार्डन। ये है गुरु जी द्वारा नियंत्रित शराब और सिगरेट पीने वाले लड़कों के लिए मेल रिहैबिलिटेशन सेंटर। ऐसा होगा मेरे द्वारा नियंत्रित शराब और सिगरेट पीने वाली लड़कियों के लिए फीमेल रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये है आश्रम की ऑफिस बिल्डिंग एवं रिसेप्शन। ये है हमारे आश्रम का पूजा स्टोर। ऐसी होगी सामूहिक यज्ञशाला। ऐसा होगा हमारा प्रभु मिलन व्रत आश्रम। ऐसी होगी आश्रम के अंदर वाटर बॉडीज। ये है हमारा नेचुरल योगा सेंटर। ये है हमारा आप सभी के लिए वैदिक लाइब्रेरी। आप सभी हमारी इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हमारे शनि मंदिर एवं शनि आश्रम के मेंबर बन सकते हैं। हमारे शनि मंदिर की इस गंगोत्री नामक मेंबरशिप में सभी मेंबर्स को प्रतिवर्ष 21 दिन के लिए गंगोत्री निवास जो कि एयर कंडीशन होगा उसमें रहने की फ्री पूजा पाठ मेडिटेशन एवं रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आपसे 5,01,000 रुपए की मेंबरशिप फीस ली जाएगी। यह फीस नॉन रिफंडेबल होगी। यह नोथ्री मेंबरशिप हमारे इस शनि मंदिर की मेंबरशिप में सभी मेंबर्स को प्रतिवर्ष 15 दिन के लिए यमुनोत्री निवास जो कि एयरपूल होगा उसमें रहने की फ्री सुविधा पूजा पाठ मेडिटेशन एवं रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आपसे 3,21,000 की मेंबरशिप फीस ली जाएगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। गंगा सागर मेंबरशिप। हमारे शनि मंदिर की इस गंगा सागर मेंबरशिप में आपको आपके पूरे जीवन के लिए वर्ष में एक बार 7 दिनों के लिए रहने की पूजा पाठ मेडिटेशन एवं रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आपसे 1,50,000 की मेंबरशिप फीस ली जाएगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। शनि सेवक मेंबरशिप। हमारे शनि मंदिर की इस मेंबरशिप में आप दिन के समय यानी डे टाइम में खाने पीने पूजा पाठ इत्यादि की सारी व्यवस्था का आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए आपसे 33,000 की एक फिक्स राशि एवं प्रतिमा 150 रुपए लिए जाएंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। भगवान श्री शनि देव ने आस्था रखने वाले प्रिय भक्तगण, इसके अतिरिक्त जो भी भक्तगण इस पवित्र दुर्लभ शनि मंदिर मेडिटेशन आश्रम व्रत आश्रम गुरुकुल नशा मुक्ति सेंटर गौशाला आदि के निर्माण के लिए दान करना चाहते हैं वे सभी भक्तगण शनि मंदिर वाले गुरु रजनीश ऋषि से नीचे दिए किसी भी माध्यम से अथवा स्वयं मिलकर या लॉर्ड शनि देव के कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान के किसी भी बैंक में जाकर डायरेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं। हमारे वेदों
पुराण एवं सभी धर्म ग्रंथों में शनि मंदिर निर्माण एवं जन कल्याणकारी कार्यों के लिए दिए गए दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जिसका पुण्य हजार गुना होकर हमें इसी जन्म में अथवा हमारे द्वारा लिए गए किसी अन्य जन्म में हमें अवश्य प्राप्त होता है। जय जय श्री राम, जय श्री पवन पुत्र हनुमान, जय जय श्री शनिदेव। उसके पश्चात आप भगवान श्री सूर्यदेव को एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी सी रूली, हल्दी, एक चुटकी चावल एवं एक चम्मच भर गुड़ और गुड़ न होने पर चीनी मिलाकर भगवान श्री सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए उनको अर्घ्य प्रदान करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी समस्त प्रकार की सूर्य ग्रह से संबंधित परेशानियां शांत होंगी। आइए अब हम भगवान श्री सूर्यदेव के बीज मंत्रों का उच्चारण करें। ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों स सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों स सूर्याय नमः। प्रिय भक्तगणों, अगर आप किसी भी नवग्रह देवता को प्रसन्न करने के लिए जप करना चाहते हैं तो वो है जप आपको सिर्फ और सिर्फ स्वयं करना चाहिए। ऐसा किसी जप अयोग्य पंडित, अज्ञानी पंडित या मंदिर के पंडित से कराने के पश्चात आप पाएंगे कि वो लोग आपके लिए जप नहीं करते, केवल आपको दिखाने के लिए उस समय दो चार मंत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आप वहाँ से हटते हैं वो लोग अपने किसी और काम में लग जाते हैं। और ज़्यादातर यह भी मेरे अनुभव में आया है कि पंडितगण अपने मुँह में हर समय तंबाकू रखे रहते हैं, उसके बाद अगर मंत्र पढ़ेंगे तो आप खुद मुझसे अधिक जानते हैं कि उस जप का, उस पूजा का क्या तो भगवान को प्राप्त होना है और क्या उसके सुफल आपको प्राप्त होंगे। मेरे बहुत सारे मंदिर के पंडितों से संपर्क रहे हैं जिन्हें देखकर मैं हैरान होता हूं कि ये मंदिर में बैठे हुए पुजारी जो कि जिनकी तादाद 100 में से लगभग 90% है आपके लिए कुछ नहीं करते, वो केवल केवल अपने लिए करते हैं। अगर वही जब अपने लिए कर लें तो शायद उनको कभी किसी के आगे याचक बनकर, पंडित बनकर जप के नाम पर धोखा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि आप मजबूर हैं किसी योग्य ब्राह्मण से हवन, जप के पश्चात हवन इत्यादि कराने के लिए, क्योंकि उसके लिए, उसके अतिरिक्त आपके पास कोई चारा भी नहीं है। एक बार पुनः इस विनम्र अनुरोध के साथ कि अगर आप किसी भी ग्रह से संबंधित पीड़ा के लिए जप करना चाहते हैं तो उनकी निश्चित संख्या बना लें। उस निश्चित संख्या में आप प्रतिदिन जप करें, चाहे वो केवल 108 मंत्रों का जप क्यों ना हो, एक माला के बराबर मंत्रों का जप क्यों ना हो, वो जप आप 40 दिन में पूरा करें, 108 दिन में पूरा करें या उससे भी जितने भी अधिक दिन लगते हैं उनमें पूरा करें। और हवन इत्यादि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण का चुनाव करें ताकि आपको आपके द्वारा किए गए हवन और पूजन, जप इत्यादि का पूरा शुभ फल प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, अगर आप या आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड किसी भी प्रकार की परेशानी में हो, चाहे वो धन, व्यापार, नौकरी, कर्जा, शादी, कैरियर, संतान से संबंधी हो या फिर संतान की पढ़ाई लिखाई, मियां बीबी के झगड़े, प्यार, तलाक, धन की कमी
या फिर भूत प्रेत नजर आदि की समस्या से परेशान हैं, तो आप 133 देशों में प्रसिद्ध हमारे शनि मंदिर वाले गुरु रजनीश ऋषि से किसी भी दिन समय लेकर अपनी जन्म पत्री या बर्थ चार्ट के साथ ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली स्थित ऑफिस में फोन नंबर 9111450 51710 या हमारी विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट www.shanidev.us पर विजिट कर सकते हैं। मैं गुरु माँ रिया आप सभी भक्तों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि गुरु जी आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को अवश्य ही दूर करेंगे। क्या आप अपने भाग्य से दुखी हैं? मैं रजनीश ऋषि लेता हूँ गारंटी आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की, आपकी किस्मत को चमकाने की। 133 देशों में प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर एवं शनि मंदिर वाले गुरु रजनीश ऋषि से अब आप भी अपनी परेशानियां दूर करने के उपाय जान सकते हैं। गुरु रजनीश ऋषि से मिलने के लिए शनि मंदिर के लिए 2100 रुपए का दान